ये सारे जिम्मेदार हैं इसके अंदर खाली खिलाड़ी ही जिम्मेदार नहीं है इस शिकस्त के। आप अपने होम ग्राउंड के अंदर वाइट वॉश होते हैं, आप लोगों से खेला नहीं जाता क्योंकि आपके बॉलर्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं थी। अगर वो क्वालिटी होती तो शायद आपके बॉलर्स उन लोगों को कंट्रोल करते। हमारी हालत बल्कि श्रीलंका से भी ज़्यादा ख़राब है, हमारी कंट्री की भी हालत ख़राब है, हमारी क्रिकेट की भी हालत ख़राब है। कितनी हम शिकस्त जो है बर्दाश्त करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट कितनी शिकस्त खाती हुई आ रही है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सुहासिन एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच जो कि रावलपिंडी के अंदर खेला जा रहा था। तो ये है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप लोगों को हमारी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मिल सके। और ये है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप फेसबुक पर अगर हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। और आपके एक सब्सक्राइब करने से जो है एक मोटिवेशन मिलती है, एक अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हम आपके लिए ये लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच जो कि रावलपिंडी के अंदर खेला जा रहा था। और पाकिस्तान को तारीख के अंदर ऐसी कोई शिकस्त हुई है जो कि एक छोटी टीम पाकिस्तान ने कभी शायद ये ऐसा सोचा भी ना होगा कि बांग्लादेश से, वो भी उसके होम ग्राउंड के अंदर, बांग्लादेश से पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त देगा। दोनों मैच हरा दिए यार, वाइट वॉश कर दिया, ये खिलाई थी आप लोगों ने टीम पाकिस्तान को और आप कितना नुकसान पहुंचाओगे। हमारी टीम के अंदर जो खामियां मौजूद हैं हम उसके ऊपर काम नहीं करते। पाकिस्तान टीम के अंदर जब सरफराज अहमद एज अ कैप्टन थे तो एक वो टीम लीडर था जो कि T20 के अंदर नंबर वन, टेस्ट के अंदर अच्छी रैंकिंग पे लेकर जा रहा था। भाई ये PCB को क्या हो गया जो कि उसने पता नहीं क्या सोच के इस शान मकसूद को कप्तानी दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल हो रहा है आज, दुनिया जो है ना इसके ऊपर तबसरे कर रही है, बातें कर रही है कि हमारे जो बैट्समैन हैं और जो हमारे टॉप ऑर्डर हैं, हमारा मिडल ऑर्डर है, सब बर्बाद हो गया सिर्फ कुछ लोगों की वजह से। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इसको अंदर से कुरेद कुरेद के ना खा रहे हैं और ये टीम बर्बाद होते जा रही है। ना तो ये T20 के अंदर अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं, ना ODI के अंदर अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं। आप ये देख लेना, ये मुस्तकिल हारते हुए आ रहे हैं। कितनी हम शिकस्त जो है बर्दाश्त करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट कितनी शिकस्त खाती हुई आ रही है। सबसे पहले हमने सोचा नहीं था ज़िंदगी के अंदर कि हम USA से हारेंगे जो कि एक क्वालिफाइड टीम है, हम उस टीम से हारेंगे, मगर हार गए भाई। सबसे पहली हार उससे हुई T20 वर्ल्ड कप के अंदर। हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम जिम्बाब्वे की जैसी टीम से हारेंगे, मगर चलो भाई जिम्बाब्वे से भी हार गए। हमारी हालत इस वक्त वेस्ट इंडीज़ शायद बहुत अच्छा होगा, वेस्ट इंडीज़ हमारी हालत बल्कि श्रीलंका से भी ज़्यादा ख़राब है। हमारी कंट्री की भी हालत ख़राब है, हमारी क्रिकेट की भी हालत ख़राब है। इन लोगों की फ़िटनेस, मैं तो कहता हूँ इन लोगों की फ़िटनेस एक रुपए की फ़िटनेस नहीं है, जिन लोगों ने इतना फिटनेस के ऊपर काम करा। बांग्लादेश की जब पहली इनिंग हुई तो बांग्लादेश ने जो है उनकी 6 विकेट्स बहुत जल्दी लूज़ हो गई थी, 26 रन पे 6 विकेट्स लूज़ हो गई थी, मगर उन्होंने उसके बाद ऐसा कम बैक करा अपनी टीम को, 250 रन्स के प्लस लेकर गया वो बंदा। तो ऐसे प्लेयर्स होते हैं, लिटन दास अपनी टीम को लेकर गया वहाँ तक, वरना आपकी लीड अच्छी हो जाती और आपको जो है एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता, मगर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि आपके बॉलर्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं थी। अगर वो क्वालिटी होती तो शायद आपके बॉलर्स उन लोगों को कंट्रोल करते। आप अपने होम ग्राउंड के अंदर वाइट वॉश होते हैं, आप लोगों से खेला नहीं जाता। आप ने जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आप लोगों ने जो मजाक करा है ना, जो इनके सिलेक्शन कमेटी है, इनके चीफ सिलेक्टर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, PCB, ये सारे ज़िम्मेदार हैं इसके अंदर खाली खिलाड़ी ही ज़िम्मेदार नहीं है शिकस्त के। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो इन लोगों ने ये हालत करी, इन सब की ज़िम्मेदारी इन लोगों पर भी जाती है जिन लोगों ने ऐसे लोगों को सिलेक्ट करा। साजिद खान ड्रॉप कर दिया, इमामुल हक ड्रॉप कर दिया, नुमान अली ड्रॉप कर दिया, एक अब्बास बॉलर था मोहम्मद अब्बास, उस जैसे बॉलर को ड्रॉप कर दिया जो कि एक इनिंग्स के अंदर 5-5 विकेट 6-6 विकेट्स
पाकिस्तान को अहम विकेट्स लेकर देता था, आपका पेसर था, कहाँ चले गया? एहसान उल्लाह के जो वालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे के लिए कुछ ऐसे इंतजाम करे जाए पीसीबी से कि मेरा बच्चा सही हो और वो भी टीम के अंदर खेले। हम अपने जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना अपनी कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं, हम उनके ऊपर काम नहीं करते। आज कुछ सरफराज को देख लो, वो तो कुछ कहता नहीं है, बेचारा सीधा साधा आदमी है, कुछ कहता नहीं है वो। पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल हुआ है उसके अंदर ये सबसे पहले तो बाबर आजम, फिर कैप्टनसी दे दी शान मकसूद के हाथ में। शान मकसूद ने ऐसा क्या कारनामा करके दिखाया है, कौन सी ऐसी बैटिंग करके दिखाई है जिसकी बिना पर उसको ये कैप्टनसी दी गई? कोई ऐसा बेवकूफ कैप्टन ही होगा जो कि 40 ओवर एक ही बॉलर से करवा रहा है, स्पिनर बॉलर से। एक जब ऑलराउंडर आपने अपनी टीम के अंदर खिलाया सलमान अली आगा को, तो क्यों नहीं आपने उसे यूटिलाइज करा? जब आपको उसका नुकसान हो गया, आज आपने दूसरे दिन उससे ही बॉलिंग करवाई, जब बॉलिंग करवाई उसने आपको विकेट लेके दी। तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो नक्शा आप लोगों ने बदला है ना, एक ही यूनिफॉर्म, सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, बंदे एक ही हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। जब इनका दिल करता है ये लोग टेस्ट में आ जाते हैं, फिर इनका यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है ये ODI के अंदर आ जाते हैं, फिर ये लोग T20 के अंदर आ जाते हैं, बंदे यही रहते हैं। तो भाई खुदारा टीम के अंदर मेरिट लेकर आएँ, टीम के अंदर एक अच्छी सिलेक्शन करें जिससे कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। होम ग्राउंड है आपका, होम ग्राउंड, बाहर की सीरीज होती ना तो शायद दुख थोड़ा सा कम होता, मगर एक बंदा बाहर से आए ना, बाहर से आकर आपके घर के अंदर आपको मार के जाएगा तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी कि ये आपके घर में घुस के आपको मार रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर आपको काम करना है। अभी आगे जो है हमारी मेन सीरीज़ है, हम इंग्लैंड के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे, हम अपने कौन से बॉलर्स वहाँ पे ऐसे लेकर जाएंगे जो कि उनकी फास्ट पिच के ऊपर हम अपने पेसर को या अपने स्पिनरों को खिलाएंगे, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करना है। आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।